तो आप बताएं पॉलिटिकल चीज पर आपका क्या टेक है? मैं हूँ आर्टिस्ट, ठीक है ना? मैं पॉलिटिक जो ना सियासत की नज़र होना नहीं चाहता, क्योंकि लोग हमें भी लॉस लव करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल में जाएंगे ना तो फिर हम अपने आप को सिलेक्टिव कर देंगे। ना कि इंसान बोलता है यार ये बंदा कौम के लिए अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि जो खान साहब है ना वो कौम के लिए अच्छे हैं। अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें सीधी हो सकती है, सुधर सकती है। अगर उनको फ्री हैंड दे दिया तो काफ़ी चीज़ें अनफ्री हो जाएगी लोगों के लिए। लेकिन उसमें यह कि मुल्क के कोई नुकसान नहीं होगा ना। हाँ, अगर देखिए आप पर्सनली अगर कुछ लेयर्स करते हो तो उसमें किसी को क्या नुकसान है? अगर आप किसी को दबा के करते हो, ज्यादती करते हो, वो गलत है। आई थिंक पॉलिटिक्स में ना जो मैंने देखा है जितने भी इंटरनेशनली सियासतदान है वो पॉलिटिकल जितना वो सेल्फलेस होते हैं ना उतना वो मुल्क के लिए बेहतर कर रहे होते हैं। अगर वो सेल्फिश होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुल्क के लिए बर्बादी ही कर रहे होते हैं। अगर वो सिर्फ मैं के बारे में कहीं नहीं, हर जगह भी बर्बादी कर रहे होंगे ना। जो सेल्फिश बंदा होगा उसको तो जस्ट अपनी जात से होगा ना। लाइक इमेजिन करो बहुत सारी जगह पर इंटरनेशनली कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जा रहे होते हैं काम पर, बिल्कुल जा रहे, पैदल जा रहे होते हैं, बिल्कुल घूम रहे होते हैं आम लोगों की तरह। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता है 50 गाड़ियाँ पीछे लग जाती है। हालांकि इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर सेल्फ खुद एक इंजॉय है, खुद एक एंटरटेनिंग है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर बनना है वही काफ़ी है। फिर प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर बन गया वही प्रोटोकॉल है। हाँ वही ना, मतलब इससे ज़्यादा क्या प्रोटोकॉल? आवाम से करीब होने के बजाय वो आवाम से मज़ीद दूर हो जाता है। ना सम टाइम ऐसा होता है कि किसी को ना वो अगर प्राइम मिनिस्टर होगा ना उसका मज़ा लेने का नहीं पता कि जितना वो अच्छा काम करेगा उतने दिलों में जिंदा। हाँ ये तो बात है, सिंपल इज दैट। अब आपने एग्जांपल दी यहाँ बैठ के वो साइकिल पे, डेफिनेटली आपने तैयब उर्दगान साहब की बात की होगी। yes, तो आप देखें कि आप कहाँ वो कहाँ। लेकिन उसमें ये कि ये अंडरस्टूड है कि अगर आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, लोग तो आपको याद मुखालफिन भी आपके दिलों में जो ना उनके दिलों में राज करेंगे। तो आप बताओ आप जो फिल्म बना रहे हो उसके बारे में क्या है? फिल्म लव स्टोरी कॉमेडी फिल्म है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। मैं भी उसमें हूँ। हीरो हो? हीरो हूँ। ओके, विलन आप हो? नो विलन मैं एक रहता हूँ। हीरोइन आप हो? मैं थ्री इन वन करना, मतलब मैं हीरो, मैं हीरोइन, मैं ये, मतलब कभी ऐसा कैरेक्टर मिला है कि दो 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 जुड़वा, मतलब वरुण धवन करता है तो कोई भी कर सकता है? हाँ कर सकता है। नहीं एक्चुअली उसमें कोई कबाहत नहीं है, मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूँ प्रोग्राम जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि एंकर भी मैं खुद हूँ और आगे होस्ट सॉरी गेस्ट भी मैं खुद ही हूँ, 1-to-1। तो आप बताएं किन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हो, ड्रीम क्या है? ड्रीम एक्चुअली ये है कि आप ड्रीम शोबीज़ है और शोबीज़ की पीक जो है ना वो आपको पता है सिल्वर स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है। तो सोशल पे अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे मैं हूँ। अब मैं जो ना टीवी और फिल्म की तरफ मूव कर लिया तो इंशाल्लाह अब उसी में जो ना क्योंकि इसका लास्ट सिनेमा ही है ना। हाँ ये भी बात है। तो वैसे मैंने दो मूवीज़ कर ली हैं, एक में रिलीज़ हो चुकी है, एक अभी आ रही है। नाम क्या था? इशरत मेड इन चाइना जो रिलीज़ हो चुकी है, वो भी कराची किया था शूट, और जो लास्ट अक्टूबर में मैंने किया वो भी मैं कराची शूट करके, वो तो फेस्टिवल के लिए 3 कंट्रीज के लिए ना। तो बहुत बड़ा बिग प्रोजेक्ट है। कभी किसी ने आपको प्यार से बोला है एक्सक्यूज मी किधर जा रहे हो तुम? तो एक्सक्यूज मी हमेशा प्यार से बोलते, गुस्से से तो भी कहते। अबे नहीं मैं तो गुस्से में, एक्सक्यूज मी मैं जब किसी को तपाना चाहती हूँ या कोई सवाल मुझे पसंद नहीं होता मैं 3 दफा एक्सक्यूज मी तो हाँ वो फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन उसमें आप जो ना कंप्लीट नहीं कहते, एक्सक्यूज मी आप भी, वो कहेंगे ना फिर प्यार आ जाएगा। आप भी तो नहीं बोलते? हाँ, तो वो देखा अभी आपने बोला ना तो स्माइल आ गई आपकी। तो मुझे ये बताएं कभी कोई पीछे पड़ा है मुझे शादी कर लो मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं लुट गई बर्बाद हो गई सब कुछ ले लो? बेशुमार इंसिडेंट ऐसे हुए। एक तो वो घर की रजिस्ट्री लेके आ गई, घर लेकर लाइक ये क्या तो समझ में अभी तक समझ में नहीं आया घर देकर क्या मिल लाइक मिलता। एक्चुअली ये एक सेंटीमेंट से होते हैं ना कि उसने कहा कि मेरा सब कुछ तेरा है। ओके okay. तो मैंने कहा तेरा सब कुछ मेरा है लेकिन मैं तेरा नहीं, कुछ रीजंस बन जाते हैं। नो इट डिडंट साउंड राइट, सब कुछ मेरा है लेकिन मैं तेरा नहीं। ओह ओके, सो कितना ट्रांसपेरेंट है? हां कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे बताए तो हाउ डू यू रिएक्ट? डेफिनेटली क्राइंग और वो सारा। लेकिन उसमें ये कि कुछ मेरे लव ऐसे हुए, मैं अभी आपके शो में बता रहा हूँ कि उस वक्त बस वो भाभी जी कान बंद करें इधर ये राज खोलने वाले, ये मैंने बताना ही नहीं चलना काम नहीं नहीं बताया। हाँ जी एक्चुअली उसमें ये है कि मैं अब सोचता हूँ कि कुछ कोई 6-7 लव मेरे ऐसे हैं। 6-7 इतनी तो प्यार किया है? प्यार ऐसी चीज़ है जो बार बार होती है।
मैं नहीं समझता कि जो लोग कहते हैं ना जिंदगी में कितना टाइम तक लास्ट होता है ये प्यार। प्यार का लास्ट टाइम कोई नहीं है, नहीं पर एक ये ऑन द स्पॉट ही पता चला। फिर भी कितना टाइम आपका लास्ट हुआ था पिछला? एक से दो साल चला, एक से तीन साल, एक से छह साल चला। ओह, इस तरह से। और टूटा क्यों? और वही मैं बता रहा हूँ, उसमें ये कि मेरा कुछ टारगेट था इस काम के लिए और वो सब लोग मुझे इतना लव करती थी कि मैं समझता था कि वो मुझे इस फील्ड में कभी भी नहीं आने देंगे, क्योंकि सम टाइम ना वो बंदा किसी से इतना लव करता है उसे एक पल भी अवे नहीं हो सकता। okay. तो मुझे लगता था कि ये लव तक तो लव नहीं होते, ये तो चिपकू कहलाते हैं। नहीं, ये सेंटीमेंट्स होते हैं, लव सेंटीमेंट्स। उसमें ये लफ्जों में चिपकू चिपकू हाँ। तो उसमें मुझे ये लगता था कि ये जितना मुझसे ज्यादा लव करती है ना तो बाद में ये दुश्वारी हो जाएगी। हाँ। तो मैंने ये छोड़ा था क्योंकि मेरा पैशन था ये। और उसमें यह है कि दूसरी बात, अब मैं सोचता हूँ क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदे की जो फीलिंग है वो चेंज होती है। अब मैं समझता हूँ कि जैसे वो रोती थी क्राइंग और सारा, अगर इस टाइम पे ऐसा होता तो शायद मैं उन्हें अपना ही लेता, क्योंकि अब शायद मैं हार्ट में थोड़ा सा और सेंसिटिव हो गया। आप सेंसिटिव है? बहुत ज़्यादा। क्यों भाई? ये बाई नेचर है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुछ लोग सेल्फिश होते हैं बाई नेचर। किस तरीके से आप सेंसिटिव हैं? हर लिहाज से। मेरा ये होता है कि आपने मुझे कोई तकलीफ दे दी है, मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे पता मैं बर्दाश्त कर लूँ। मुझे ये होता है मुझसे किसी को तकलीफ ना हो। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।